यूट्यूब ऐप पर घंटी बजाओ और खबरें अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ। पिछले दो सालों से वर्कशॉप में धूल फांक रही JNU RM की बसें अब जल्द ही सड़कों पर उतर सकती हैं। दरअसल प्रदेश सरकार ने हाईकोर्ट में मामले से जुड़ी अपील की थी और जिस पर 14 जून को सुनवाई होनी है और खुद परिवहन मंत्री गोविंद ठाकुर ने इस बात की उम्मीद जताई है कि हाईकोर्ट बसों को हरी झंडी दिखा सकता है। अगर ऐसा हुआ तो JNU RM की 325 बसें सड़क पर दौड़ती हुई दिखाई देंगी। आपको बता दें कि हाईकोर्ट ने JNU RM की बसों को निर्धारित मापदंडों पर खड़ा ना उतर पाने की वजह से उन पर रोक लगा दी थी। उन बसों को हाईकोर्ट ने ये कहा था कि ये बसें गैर कानूनी तरीके से जो निर्धारित जो क्लस्टर थे उन पर नहीं चल रही थी, इसलिए उन्होंने रोक लगा दी थी और जिसके कारण से 325 बसें हिमाचल में JNU RM की खड़ी हैं। अब हमने हाईकोर्ट को निवेदन किया है और हाईकोर्ट को हमने एप्लीकेशन दी है। अभी 14 तारीख को उसकी तारीख लगी है तो लगता है कि हाईकोर्ट उस दिन अनुमति मिलेगी और ये 325 बसें सड़कों पर आएंगी।